हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, आज है ना इन्वेस्टिंग पे बात करते हैं। बहुत हो गया ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग। एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली सीख तो इतना लिया वो ऑप्शन सेलिंग सुन सुन के, और आप लोगों ने नहीं अगर सीखा है तो आप पुराने फेस टू फेस देखिएगा। ऑप्शन सेलिंग पे इतना अच्छा कॉन्टेंट हमने रिकॉर्ड किया इतने लोगों के साथ में। अगर आपने नहीं देखा है तो शायद आपने मिस किया है, तो फेस टू फेस ट्रेडिंग जरूर देखिएगा जो पुराने मैंने रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन आज हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, और जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो 1-2 दिन, 10 दिन, 12 दिन की बात नहीं करते हैं। इन्वेस्टिंग मतलब 5 साल, 10 साल का व्यू बना के इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तब बड़े पैसे बनते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये 5 साल 10 साल का व्यू बना के हम कैसे बनाए व्यू? इतना इजी नहीं है। कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर या इकोनॉमी में 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला, यही नहीं पता है। 5 साल 10 साल का हम कैसे व्यू बनाए? लेकिन दोस्तों, एक तरीका है, उसको कहते हैं साइकिल्स। साइकिल्स मतलब ऐसे जो अभी है वो बाद में वापस घूम के आएगा, तो साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत जबरदस्त डिस्कशन होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय इट। तो लास्ट तक देखिएगा, और पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं इलन मार्केट्स के साथ में, तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम यहाँ पर धमाल कर रहे हैं, नॉलेज की बरसात हो रही है। अगर आप लूट सके तो लूट लीजिए। तो आज मेरे जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल है, मार्केट में काफी टाइम से है, इन्वेस्टर हैं और काफी कुछ किया हुआ उन्होंने। एक स्पेशल काम उन्होंने किया है जिसका वर्णन मैं आपको लास्ट में करूंगा, बीच में नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि इन्होंने और क्या स्पेशल किया है। तो लेट मी इनवाइट आदित्य गुडगुटिया इनटू दिस डिस्कशन। थैंक हेलो यू थैंक आदित्य। यू थैंक यू विवेक, बहुत ही काइंड इंट्रोडक्शन दिया है आपने। मैं आपके पॉडकास्ट काफी सुन चुका हूँ, एंड जो आप एनर्जी लाते हैं वो देख के मजा आ जाता है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं थ्रू स्टॉकेज एंड ईलर्न इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को एजुकेट करने का। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच आदित्य। अच्छा लगा कि आपके साथ में जुड़ने का मौका मिला। आप मार्केट में काफी टाइम से हैं और आपने एक बहुत जबरदस्त काम किया है, लास्ट में उसकी चर्चा करेंगे। बट पहले आपके बारे में जाने कि आप क्या बैकग्राउंड से हैं, आपने क्या क्या लाइफ में किया हुआ है, और आप अभी जो कर रहे हैं इन्वेस्टिंग थोड़े अलग तरीके से, इसको आप क्यों कर रहे हैं? सो टेल अस मोर अबाउट यू एंड देन वी गेट इन टू दी नॉलेज शेयरिंग। विवेक, बहुत ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे ब्रदर ही इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई थिंक आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा वो बचपन से एक स्टॉक मार्केट के प्रति एक अफिनिटी रहा। तो जब थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग, कुछ पीटर लिंच, कुछ वॉरेन बफेट, कुछ बेंजामिन ग्राहम, तो अलग-अलग तरह के थीम्स पढ़ के कई बार लगता था कि यार कुछ चीजें अभी फिट होती हैं, हर टाइम नहीं फिट होती हैं। ये पिछले 5 साल में तो काम की, अगले 5 साल में नहीं काम की। तो लगता था कि कैसे एक इन्वेस्टिंग फिलॉसफी बनाएं जो डायनामिक हो, जो एक हर टाइम के लिए एक ही नियम वाला नहीं रहे। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट के साइकिल्स, कमोडिटी के साइकिल्स, प्रोडक्ट के साइकिल, सब चीजों का थोड़ा सा गहन अध्ययन किया। तो लगा कि अगर हम थोड़ा सा इस चीजों को फंडामेंटल चीजों से जोड़ें कि बिजनेस कैसे चलते हैं आज भाई, जैसे स्टील है, कभी तेजी होती है, कभी मंदी होती है, कोई बाजार में नया प्रोडक्ट आता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कई 100 साल तक चलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 5-10 साल ही होती है, तो उन सब के पीछे आदमी कैसे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है, वो थोड़ा सा सोचने पे काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मिले। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक आर्टिकुलेट करने की कोशिश की जाए। बहुत सही, जबरदस्त। और आदित्य, आप जितना मुझे याद है आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हुए हैं, तो आपने कई इंडस्ट्रीज को देखा है, परखा है, तो आप समझ पा रहे हैं जी कि कैसे साइकिल, बिजनेस साइकिल्स मार्केट के साइकिल को इन्फ्लुएंस करती है। तो बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ विवेक, मैंने एक्सिस कैपिटल में नॉर्थ इंडिया का लीड करता था प्रैक्टिस, एडलवाइस में लीड करता था। तो बहुत सारे कंपनियों के ओनर्स ने खुद से अपना बिजनेस समझाया है, तो ये एक इंडस्ट्री में रहने का बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अभी मैं अपना एक खुद का इन्वेस्टमेंट बैंक चला रहा हूँ आईवा करके, एक पार्टनर के साथ। बट आपको क्या होता है, जब प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने कंपनी के उतार चढ़ाव सीखे हैं, देखे हैं,
खुद से बिजनेस खड़ा किया है, वो अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, तो एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, एक क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें आपको पता चलती हैं। तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है 16-17 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। यही है, सो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे थे इन्वेस्टिंग में और समझ के। सही है, फैंटास्टिक। सो आपने हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन बना रखा है, तो आई एम गोइंग टू मेक यू द प्रेजेंटर जी, और लेट अस गो थ्रू दैट लवली पीपीटी व्हिच यू हैव मेड फॉर अस। सो हमने ये मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है विवेक, काफी कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसा है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में कई लोग बोलते हैं कि अच्छी कंपनियों को खरीदो और लेके भूल जाओ। हम बोलते हैं कि नहीं, अच्छी कंपनियों को लेके भूलने से काम नहीं चलता है। अब दुनिया बहुत डायनेमिक हो गई है, पहले जो चीजें शायद चल जाती थी, आज के डेट में प्रॉक्टर एंड गैम्बल या जिलेट का भी मार्केट शेयर लूज हो रहा है दाढ़ी बनाने में, कोको कोला को डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स वगैरह चैलेंज कर रहे हैं। तो अब हर चीज पुरानी तरह से नहीं है कि एक पुरानी ब्रांड जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी और बाकी कोई उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा बाजार में अपना टाइम भी एग्जिट और एंट्री करना होता है, कंपनी में भी अपना ये करना होता है, और खाली आप फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे नहीं कर सकते, आपको एक इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का मैक्रो व्यू भी लेना होता है। अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले ये निकॉन और कैनन का, या फॉर दैट मैटर कोडैक का, कोडैक हमारे जब हम छोटे थे एक मार्केट लीडर होता था, कैमरा में उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, दे यूज टू मेक दीज रोल्स ऑल्सो, तो वो रोल्स में सब कोई कोडैक का ही रोल खरीदते थे। बट जैसे जैसे मोबाइल फोन में कैमरे आने लग गए, डिजिटल कैमरे आने लग गए, इफेक्टिवली वो कंपनी खत्म हो गई। सिमिलरली कैनन निकॉन भी अब प्रोफेशनल्स के लिए हो गए, जिनको फोटोग्राफी का ज्यादा शौक है, आम आदमी अपने घर पे मोबाइल फोन के कैमरे से खुश है, तो वो सब टाइपराइटर इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई। तो वो अब आप ये नहीं सोच सकते कि जो पुरानी कंपनियां वो हमेशा चलती रहेंगे। सो यू हैव टू बाय एट द राइट प्राइस। कुछ हम नई नई थीम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं सर, एक जैसे सब्ट्रैक्ट करके जिसके बारे में मैं बात करूंगा, रिवर्स कंपाउंडिंग मशीन है उसके बारे में बात करूंगा। तो हम कई तरह के नए इन्वेस्टिंग थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आई थिंक स्टॉक पिक करने में आपको हेल्प कर सकती है। सही है। सो मार्केट को टाइम कैसे किया जाए, तो एक है आपका मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल क्या है कि अगर आप देखिए हिस्टोरिकली इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा, इंडियन स्टॉक मार्केट अगर थोड़ा सा एक हर्षद मेहता वाला पीरियड एक्सक्लूड कर दें, तो मोटा मोटी 12-13 पी से 30 पी के बीच में घूमता रहा है। थोड़ा सा वो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, 20-25 के ऊपर ज्यादा रहता है, लेकिन ब्रॉडली वही रहा है। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है विवेक की, धीरे धीरे क्या होगा, ये ट्रेंड तो थोड़ा अपवर्ड्स की तरफ रहेगा, जो एवरेज पुराना शायद अगर 17-18 का था वो अब 20-21 तक पहुंच जाए, लेकिन मीन रिवर्जन अभी भी होगा। ये ऐसा नहीं कि हमेशा 35-40 के पीई पे ही बाजार चल सकता। तो अब जैसे वी आर इन अ सिचुएशन वेयर सब, जिससे भी आप पूछो कि यार बाजार में क्या लगता है, और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इसमें एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आज के डेट में आई थिंक ये तो नहीं कह सकते कि आप बाजार से सारा पैसा निकाल लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ घर ले जाने में समझदारी भी है, और उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में जो जिन्होंने पिछले 2 साल में पैसे कमाए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ ऐसी कंपनियां भी होनी चाहिए जो सेफ हो, जिनमें अगर कल को बाजार में करेक्शन हो, कुछ मेल्टडाउन हो, किसी और तरह की दिक्कत आए, तो ऐसा ना हो कि वैल्यू पूरा इरोड हो जाए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सिमिलरली कमोडिटी साइकिल में भी होता है, अभी कमोडिटी में खासकर स्टील में लोग बहुत लोगों ने पैसे कमाए हैं, तो कमोडिटी साइकिल ऑल्सो आपको टाइम पे प्ले करना होता है। अगर आप सही टाइम पे घुस जाइए तो आप उसमें 4 गुना 5 गुना बहुत छोटे पीरियड में बन सकता है, और अगर आप गलत टाइम पे फंस जाइए विथ लेवरेज तो नुकसान भी बहुत हो सकता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग थीम होता है जो विवेक, जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में नई नई कंपनियां जो पहले कमोडिटी थी वो अब धीरे धीरे ब्रांड बनती जा रही। जैसे पहले हम टाइलें खरीदते थे तो उतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते थे, टाइल भी आदमी ब्रांड से मांगता है,
पहले हम सैनिटरी वेयर खरीदते थे तो देखते थे कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है ले आए। अब लोग बोलते हैं मेरे को सेरा का चाहिए, हैंडवेयर का चाहिए, जैगवार का चाहिए, वो फर्क पड़ गया है। सिमिलरली अब धीरे धीरे जैसे चावल है जो हमेशा हम लोग कमोडिटी की तरह मांगे देखे, अब लोग बोलते हैं बासमती राइस चाहिए, बासमती में ये ब्रांड चाहिए, तो वी हैव टू ये सब भी देखना इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक और थीम है सर रिसाइकलिंग का, इसमें व्हाट वी आर सीइंग इज कि केपेक्स इंटेंसिटी कम है और मेटल में भी आपका जैसे जैसे मेटल का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे रिसाइकल्ड मेटल का भी प्राइस बढ़ता है, तो इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है लेकिन आप फिर भी मेटल स्टोरी प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं इसमें। जैसे एक कंपनी है ग्रेविटा जो पिछले 1.5 साल में 40 रुपए से 200 रुपए हो गया क्योंकि लेड का दाम बढ़ गया है मेटल में, और उस पर केपेक्स इंटेंसिटी कुछ नहीं है, तो अगर साइकिल उल्टा भी घूमे तो उनकी बैलेंस शीट खराब नहीं होती है। सो ये जो मैं आपको बात कर रहा था इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल मार्केट मल्टीपल, तो हिस्टोरिकली आप देखिए ये आपका 12 टाइम 14 टाइम 20 टाइम सब धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। सो इफ आप 2015 के बाद देखिए तो लगता है सब कुछ 20 के ऊपर है, तो ये मल्टीपल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीन रिवर्जन होगा। इसमें मेरा एक प्रश्न है आदित्य, एक बार पीछे वाली स्लाइड में जाते हैं। देखिए, एक अगर आप 2021 की बात करेंगे, ये जो हाई मल्टीपल्स दिख रहे हैं, ये कहीं ऐसा एक और प्रॉब्लम है कि क्योंकि लास्ट ईयर कोविड हुआ है तो अर्निंग्स ऑब्वियसली नीचे क्रैश कर गई, तो अर्निंग क्रैश कर गई तो मल्टीपल्स तो हमेशा महंगे लगेंगे। तो अगर हम बिल्कुल लास्ट ईयर का पूरा डेटा को ही अपने जहन से हटा दें, तो आप देखिए जब ये 2020 फरवरी में 26 का मल्टीपल पे मार्केट चल रहा था और आज जी भी वापस से 26 का मल्टीपल पे मार्केट आ गया है, इसका मतलब इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम मल्टीपल, राइट? जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 26 जस्टिफाइड है क्योंकि 26 भी ऑन द हायर साइड ऑफ द बैंड था, तो महंगा अपेरेंटली अभी भी है क्योंकि हिस्टोरिकली आपने जैसे दिखाया कि इतने साल का डेटा देखें तो 26 भी ऑन द हायर साइड ही है। जी सो आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ विवेक। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2021 का डेटा जो है काफी स्क्यूड है क्योंकि अर्निंग आपका अननेचुरली लो था, उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि 2022 में जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं अर्निंग्स के, उसमें भी थोड़ा सा पेंटअप डिमांड का इम्पैक्ट है और उसका कितना इम्पैक्ट है ये कह पाना तो मुश्किल है। और उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स जो है वो निफ्टी से और ज्यादा तेज भागा है पिछले 1.5-2 साल में, तो वहां पे भी पॉकेट्स ऑफ वैल्यू ओवर वैल्यूएशन है। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक सेगमेंट्स देखें, ये नहीं है कि कंपनियां अच्छी नहीं है, या ये भी नहीं है कि चाइना में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रही है उसका उनको फायदा नहीं मिलेगा। बट अगर स्पेशलिटी केमिकल देखें, आप फार्मा देखें, आप डिजिटल प्ले वाले सारी कंपनियां देखें, इन सब में डिस्प्रोपोर्शनेट बढ़ोतरी हुई है पिछले 1.5-2 साल में। तो ये अगर हम ये सोचें कि इनको हम किसी भी प्राइस पे खरीदते जाएं ये बढ़ते जाएंगे, आई थिंक वो थोड़ा सा फारफेच है। तो अपने को एक ये बनाना होगा कि अगर हम 2 साल 3 साल 5 साल की इन्वेस्टिंग देख रहे हैं कि अगला मार्केट का लीडर कौन हो सकता है, इस मार्केट के लीडर पे के पीछे अगर हम चलेंगे जिसको हम बोलते हैं रियर व्यू इन्वेस्टिंग, कि पिछले 2 साल में जिसने पैसा कमाया उसमें हम पैसा डालें कि अगले 5 साल का जो लीडर हो सकता है उसको खोजने की कोशिश करें। तो मोटा पैसा तब बनता है विवेक अगर हम अगले 5 साल के लीडर खोजें राधर देन पिछले 2 साल के लीडर के को बैक करें। ओके, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। ये जैसे आईटीसी विवेक, आई थिंक बाजार में आजकल बहुत सारे मीम भी आते हैं, ट्विटर पे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बट अगर आप ओवर अ लॉन्गर पीरियड देखें तो 2000 से 2017, कोई छोटा पीरियड नहीं है, 17 साल तक के पीरियड, 16-17 साल तक के पीरियड में मैंने जैसे 1 जुलाई 2016 को हाईलाइट किया हुआ है,
2000 से 2016 में हिंदुस्तान लीवर आपका 4.5 गुना हुआ, लेकिन आईटीसी 14 गुना हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा सा हिंदुस्तान लीवर की स्पीड बढ़ गई, आईटीसी की स्पीड घट गई, लेकिन अर्निंग में आईटीसी में अभी भी 5% डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, मात्र 20 टाइम अर्निंग है, जहां डाबर हिंदुस्तान लीवर 50, 60, 70 टाइम है। प्लस इनका होटल में ग्रोथ आएगा, जैसे जैसे टूरिज्म वापस खुलने लगेगा, इनका एफएमसीजी पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि अगले 4-5 साल में आप आईटीसी में पैसा खो नहीं सकते और अच्छा पैसा बनेगा। अब लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, आज हर 6 महीने पे आप भाव देखते रहे तो हो सकता है 6 महीने तक ना बढ़े, 1 साल तक ना बढ़े, लेकिन अगर अर्निंग ग्रो होगा तो बियॉन्ड अ पॉइंट शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। सिमिलरली कोल इंडिया, 15-20 हजार करोड़ का इनके पास कैश है, पिछले साल ठीक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दिया था, 10.5% डिविडेंड यील्ड कंपनी है, इवन आज के भाव पे आपको 5-6% डिविडेंड तो छूट ही जाएगा। सो जहां आपको एफडी पे 5-6% नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको डिविडेंड में 5-6% कंपनी स्टॉक दे रही है, प्लस आपको जो अपसाइड आगे कैप्चर होता है वो अलग है। तो क्या है कि आज के डेट में रिन्यूएबल पे इतना फैंसी है, लोग कोल को थोड़ा सा डर्टी मानते हैं, तो इन्वेस्टर का एपेटाइट कम है। बट जब साइकिल घूमती है या किसी तरह की दिक्कत आती है, तो आदमी जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं उनके तरफ फोकस बढ़ता है, एंड मोस्टली उनमें कुछ ना कुछ अक्रिशन आता है, या फिर अगर साइकिल ज्यादा खराब है तो उनमें लॉस कम होता है। तो अपने को कुछ पोर्टफोलियो एलोकेशन इस तरह के बाजार में डिफेंसिव में होना भी जरूरी है। कितना? सो माई सेंस इज कि आज के डेट में अगर मैं 100 रुपए अपना इन्वेस्टेबल सरप्लस मानता हूं, तो उसमें से 10-15 रुपया घर में कैश कैश इक्विवेलेंट और कम से कम 15-20 रुपया डिफेंसिव में रखना जरूरी है। अभी अब क्योंकि मार्केट इतना हाई लग रहा है इसीलिए। हाँ, मतलब ग्रेजुअली अगर ये 35 के ऊपर चला जाएगा तो मैं बोलूंगा कि कैश को आप 25-30% कर लो और डिफेंसिव को भी 25-30% कर लो। मार्केट में जो हाई रिस्क स्टॉक है या हाई बीटा स्टॉक है या जो अग्रेसिव स्टॉक्स है उनका आप 40-45% पे ले आओ। सो आई थिंक वो अपने को एलोकेशन गेम खेलना जरूरी है, तभी लॉन्ग टर्म रिटर्न बनता है और तभी आपका डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट होता है। श्योर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है, क्योंकि तो मेरे को पता है पिछले स्लाइड में मेरे को देख के जो डिजिटल के फैन है, जो स्पेशलिटी केमिकल के फैन है, फार्मा के फैन है, वो बोल रहे होंगे इसको कुछ पता नहीं है। बट मैं स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो काफी पहले पहले के डेटा देखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप रियल्टी इंडेक्स देखिए, 2006-07 में रियल्टी वॉज सुपर हॉट, तो उसके बाद जो पिटाई हुई है, जो पिटाई हुई है, आज तक भी रियल्टी स्टॉक उससे उभर नहीं पाई। मैं एक डेटा देख रहा था कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा मेरे ख्याल से सब में आपका नेगेटिव रिटर्न है अगर आपने 2007-08 में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हो। सिमिलरली आप इंफोसिस देखिए, बहुत बढ़िया कंपनी, अगर आपने 2000 2001 के टेक बूम में इंफोसिस में इन्वेस्ट किया होता, जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी थी उस सेक्टर की उस टाइम की, तो भी अगले 5 साल तक आपने कोई पैसे नहीं कमाए। कंपनी का प्रॉफिट 6 गुना हो गया, लेकिन आपने कोई पैसे नहीं कमाए होते, क्योंकि आपने बहुत महंगे पे सेक्टर लीडर को बुल रन के टॉप पे खरीदा। तो आप सेक्टर, अगर आप 3 साल, 5 साल, 7 साल का होराइजन है, तो आप जो बुल रन का लीडर है उस पे पैसा डाल के पैसा कमाना बहुत मुश्किल। एक हमने एक थीम बनाया है सेट ट्रैप्स करके, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि एक्सेस टू कैपिटल, पैसे की अवेलेबिलिटी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत लोग बहुत बहुत कैश बर्न करके इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमने बोला कि आज जैसे टेलीकॉम में देखिए, आपका भारती है, एक टाइम पे एकदम ब्लू चिप कंपनी थी, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 5-7 साल में, 10 साल में सेकंड नंबर की कंपनी होकर भी कोई ऐसा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी प्रेशर है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज खोजी जाएं जिनमें
इस तरह का कैश बर्न करके इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का या इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करने का किसी के पास इंसेंटिव नहीं है। इसलिए हमने ये थीम बनाया सट्रैप्स, जो राजा नहीं है, अपने अपने कबीले के क्षत्रप है। तो उसमें वो 5,000 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है कि ज्यादा पैसा जला के भी आपको फायदा नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री उतनी बड़ी है ही नहीं कि आप बहुत ज्यादा कमा लें। और उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी छटने लग जाते हैं, जो मिड साइज प्लेयर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी भी कम होने लग जाती है, सो आपका बेनिफिट बढ़ते जाता है। और अगर बिजनेस में मार्जिन कम हो, जैसे आपका एक कंपनी है SIS जो सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, तो आपको बहुत छोटे कमीशन पे काम करती है। इन छोटे कमीशन पे काम करके आप अगर बड़े हो जाते हो तो कोई आपके साथ कंपीट नहीं कर पाता है, चाहे टीम लीज हो, चाहे मैंने रिसाइकलिंग की बात की थी, कंपनी है ग्रेविटा, बहुत छोटे मार्जिन पे काम करती है, तो उनके साथ छोटे पे अदर अनलेस यू डोंट हैव द मार्केट शेयर, अगर आपका मार्केट शेयर नहीं है तो आप कंपीट नहीं कर पाते। तो सट्रैप्स पे पैसे डाल के पैसा कमाने का चांसेस आपका बहुत ज्यादा होता है, तो छोटी इंडस्ट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको बैक करना चाहिए। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने दो चीजें बात की कि कमोडिटी से ब्रांड बनता है और सेट्रैप्स। सो सेरामिक्स को अगर आप देखिए तो करीब 2010 के आसपास ये लोगों ने टाइल्स को नाम से मांगना शुरू किया। थोड़ी सी परचेजिंग पावर हमारी $2,000 के आसपास पहुंचने लगी, प्रॉस्पेरिटी थोड़ी आने लगी, तो लोग बिल्डिंग मटेरियल में हो, चाहे प्रेशर कुकर में हो, आदमी ब्रांड से और क्वालिटी के तरफ ये होने लगे। तो उसके बाद जो लीडर था कजारिया सेरामिक, उसने 350 गुना उस कंपनी की प्राइस हो गई है सिंस इन लास्ट 20 इयर्स। सोमानी लीडर नहीं था, लेकिन क्योंकि कमोडिटी से ब्रांड हुआ 80 गुना वो भी हो गया। सिमिलरली प्रेशर कुकर में देखिए टीटीके प्रेस्टीज जो लीडर है, वो यहाँ पे जाके ब्रांड बनना शुरू हुआ, तो उसके बाद ग्रोथ हुआ, तो 237 गुना उसका प्राइस हो गया ओवर द लास्ट 20 इयर्स। हॉकिंस विच इज नॉट द लीडर, लेकिन वो ब्रांड का प्ले वहां पे भी हुआ तो 121 गुना हो गया। तो जब कमोडिटी ब्रांड बनता है और आप उसके सेटअप को बैक करते हैं, तो जिस तरह का वैल्यू क्रिएशन हो सकता है वो आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ये तो पैसा बनाने की बात हुई। आई थिंक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में पैसा डूबे ना ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अपना लेवरेज, हमने कितना लोन ले रखा है और हम जिस पोर्टफोलियो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसने कितना लोन ले रखा है, और उस कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है। ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि जैसे आपका एयरलाइन इंडस्ट्री है, वो एक सर्टेन ऑक्यूपेंसी के बाद पैसा कमाना शुरू करती है, उसके पहले सब लॉस हो जाता है। सिमिलरली थिएटर इंडस्ट्री, एक सर्टेन ऑक्यूपेंसी के बाद पैसा बनता है, उसके बाद सारा पैसा घर पे आता है। तो अपने को ये जो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज या हाई फाइनेंशियल लेवरेज वाली कंपनियां हैं, इनके साथ पैसा बनता भी बहुत है लेकिन पैसा डूबने का भी डर बहुत रहता है, तो अपने को बहुत केयरफुल होके खेलना होता है। तो जैसे अगर ये एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें मैंने दो सेगमेंट लिए हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जयप्रकाश एसोसिएट्स और लार्सन टूब्रो। ये 2006-07 के बुल रन के टाइम जब इंफ्रा का स्टोरी बहुत हॉट था, ये दोनों ही कंपनियां अपने आप में एक टक्कर की तो नहीं बोल सकता हूं लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में थी। कंपेरेबल हाँ, लार्सन टूब्रो ने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि वो बुरे टाइम पे अपना डेट मैनेज कर सकी, बाजार से पैसा रेज कर सकी, तो वो उस डाउनटर्न के बाद, ये यहाँ से इतना गिरने के बाद भी लेटर इट ग्रू एंड आगे चल के इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाया। बट जयप्रकाश एसोसिएट्स, क्योंकि वो अपना लेवरेज नहीं मैनेज कर सकी, वो बिल्कुल इफेक्टिवली खत्म सी हो गई। सिमिलरली फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सेम स्टोरी है। ICICI बैंक ने ICICI के भी, अगर आपको ध्यान होगा कि इनके भी बुक्स में काफी स्ट्रेस था, बीच में कुछ एक लेंडिंग को लेकर काफी इश्यूज भी अखबारों में हम सबने पढ़ा था, बट ICICI बैंक ने ICICI सिक्योरिटीज हो और व्हीकल्स हैं उनका IPO वगैरह करके पैसे रेस कर लिए, कुछ अपना
QIP करके पैसे रेज कर लिए, तो ICICI डिड वेरी वेल। यस बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो गया तो वो इफेक्टिवली इट हैड टू बी बेल्ड आउट, स्टेट बैंक ने आकर बेल आउट किया एंड व्हाटएवर हैपेंड वी ऑल नो। Edelweiss कुछ पैसा रेज कर पाई, कुछ मोनेटाइज किया, बट दे हैव बीन स्ट्रगलिंग समवॉट, धीरे धीरे शायद उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो इट कैन टर्न अराउंड। तो अपने पोर्टफोलियो में कोई ऐसा रिवर्स कंपाउंडिंग मशीन तो नहीं है जो हर साल इसलिए लॉस होते जा रहा है क्योंकि उनमें लेवरेज बहुत है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर है तो उसको डे वन पे निकाल देना चाहिए। अगर अपने को ये लगता है कि वो अपना डेट्स नहीं सर्विस कर पाएगा बुरे टाइम में, तो उस कंपनी के साथ ज्यादा दिन चल के फायदा नहीं। ये कैसे पता लगेगा? और एक आम आदमी को तो पता ही नहीं लग सकता। सो आई थिंक इसमें क्या है कि मार्केट लीडर जो होते हैं, एक तो उनको पैसा मिलना रिलेटिवली आसान होता है, दूसरा आई थिंक थोड़ा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्टडी करनी पड़ेगी, तीसरा अगर आप आज के डेट में ऑनेस्टली विवेक इतना लिटरेचर इंटरनेट पे है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह है, आप थोड़ा बहुत भी कुछ कुछ रिसर्च करेंगे तो किस कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, किस कंपनी का पैसा रेज करने की ताकत है नहीं है, स्पेशली बड़े कंपनियों का, वो पता लगाना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी को टिप्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़िए, काफी कुछ आइडिया लग जाएगा किसका लेवरेज कितना है और किसके बारे में इन्वेस्टर क्या बोलते हैं। एक और बहुत ही अच्छा प्रॉक्सी विवेक जो हम लोग यूज करते हैं कि आपका है ना क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न हर कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा उसका स्क्रीनर है मैंने देखा है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि जहां पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर बहुत तेजी से गिर रहा है और लेवरेज बहुत ज्यादा है वो एक डेंजर सिग्नल है। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस को कुछ पता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसलिए वो बेच रहे हैं, और अगर लेवरेज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अब इसको बाजार से पैसा मिलना मुश्किल है। सो हाई लेवरेज एंड डिक्रीज इन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, ये स्कैनर बनाऊंगा मैं पैकेज में। सही है जी। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज के साल भर पहले जब कोविड का बहुत हाई इंपैक्ट था, ऑनेस्टली स्पेशली जो राइट साइड में आप पीवीआर और आईनॉक्स का शेयर चार्ट देख रहे हैं, मैं तो नहीं इमेजिन कर सकता। मैं तो सोच रहा था नेटफ्लिक्स की लोगों को आदत पड़ जाएगी, इतने दिन तक थिएटर बंद रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, लेकिन दोनों पीवीआर और आईनॉक्स ने इस मंदी के बाजार में मार्केट लीडर होने के कारण बाजार से क्यूआईपी करके पैसे रेज कर, मेरे समझ से पीवीआर ने पिछले लॉकडाउन से आज तक में कम से कम 1100-1200 करोड़ का नेट लॉस दिखाया है। आईनॉक्स का भी नेट लॉस काफी है, लेकिन क्योंकि वो पैसे रेज कर पाए, अब ये उम्मीद है जैसे जैसे चीजें खुलेंगी जो छोटे प्लेयर हैं उनकी वापस आने की एबिलिटी कम हो जाएगी तो इनका शायद मार्केट शेयर और बढ़ जाए। सही बात। तो बुरे टाइम में जो पैसे रेज कर पाए वो एक सुपर पावर होता है बाजार में रहने के लिए, लेकिन अब जैसे DHFL और यस बैंक नहीं रेज कर पाए तो वो उनको समस्या हो गई। सिमिलरली लेफ्ट वाला अगर आप चार्ट देखिए तो इंटरग्लोब विच इज इंडिगो वो पैसा रेज कर पाया, स्पाइसजेट नहीं कर पाया, सो दोनों का चार्ट विपरीत दिशा में जा रहा है। सही बात। लेकिन कमोडिटी साइकिल में ऐसा नहीं है कि लेवरेज का वन वे स्ट्रीट है। अगर आपकी कमोडिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जैसे विवेक आप तो जानते हैं बट बाकी श्रोताओं के लिए मैं धनबाद से हूं, तो हमारे तरफ ये हार्डकोक के भट्टे बहुत हैं, स्टील साइकिल वगैरह को सप्लाई करने वाले लोग बहुत हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा उन लोगों से बातचीत करके ये अंदाज लगे कि स्टील में तेजी आ रहा है, स्टील में ये फर्क है, कोयला महंगा हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये साइकिल टर्न अराउंड होने वाला है। जब साइकिल टर्न अराउंड होता है, खासकर
स्टील ने मतलब 2008 के बाद से शायद अच्छे टाइम, बहुत अच्छे टाइम तो देखे ही नहीं है। जब बहुत इतने लंबे अंतराल के बाद जब साइकिल टर्न होता है तो जो लेवरेज बंदा होता है उसमें आपको ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि उसका मल्टीपल भी कम होता है, मल्टीपल एक्सपेंशन होता है, फिर आपके पास जो डेट होता है वो डेट भी आप पे कर देते हो। तो अब टाटा स्टील की अपेक्षा जिंदल स्टील और जिंदल स्टेनलेस, जिनकी दोनों की डेट काफी ज्यादा थी इस साइक्लिकल टर्न के पहले, इनफैक्ट जिंदल स्टेनलेस में तो सीडीआर भी हुआ था, बट इन दोनों का परफॉर्मेंस जो है टाटा स्टील से इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बेहतर है। क्यों? सिमिलरली सीमेंट में भी काफी अच्छा रन रहा है सीमेंट कंपनीज का पिछले काफी टाइम से, एक्चुअली 5-6 साल से, तो तो हाई लिवरेज इस चीज को। कंपनी है, साइकिल जब टर्न होती है तो उनका रिटर्न बेटर आता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम हो जाता है, इसलिए। हाँ, प्रोबेबली ऑफ डिफॉल्ट कम हो जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाता है, और जो आपका जैसे कमोडिटी में विवेक लोग ईवी यूज करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू, तो जो समझ लीजिए एक कंपनी का 5,000 करोड़ का ईवी है और मैंने इस साल 1,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट जेनरेट किया और उस 1,000 करोड़ से 1,000 करोड़ का डेट पे कर दिया, तो वो जो 1,000 करोड़ का जो आपका डेट पे किया वो सीधे मेरे इक्विटी वैल्यू पर ऐड हो जाता है, प्लस मेरा जो बाकी बचा हुआ लोन है उस पे ब्याज रेट भी कम हो जाता है, और तीसरा आपका मार्केट में मल्टीपल भी एक्सपैंड हो जाता है। आपको ये तीनों बेनिफिट मिलते हैं। समझ गया मैं। जी, तो सिमिलरली सीमेंट कंपनियों का भी काफी अच्छा टाइम रहा है, जिन लोगों ने पैसा रेज करके कैपेसिटी एक्सपैंड कर लिया उनमें रिटर्न ज्यादा है। तो आई थिंक आज के 10 साल पहले ये तीनों कंपनियां मेरे समझ से 1,500 से 2,000 करोड़ के टर्नओवर के आसपास थी, लेकिन आज जिसने एक्सपैंड कर लिया, डालमिया ने और खासकर जेके सीमेंट ने, उनका रिटर्न अलग लेवल पे चला गया। ओरिएंट कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन उनका एक्सपेंशन एक रिलेटिवली म्यूटेड गति से चला है, तो मोर और लेस रिटर्न भी म्यूटेड रहा। आखिरी बात, आई थिंक इस बारे में बहुत चर्चा होती है, मैं साइकिल के बारे में तो थोड़ा सा एजी हो सकता हूं कि साइकिल अपने ऊपर के रुख की तरफ है तो कहीं ना कहीं मेन रिवर्जन होगा, लेकिन एज अ इंडिया स्टोरी मैं बहुत ही बुलिश हूँ। इंडिया में जो हो रहा है, आई थिंक एज मेरे ख्याल से आज के डेट में ग्लोबली इक्विटी इन्वेस्टर होने के लिए इंडिया से बेहतर शायद कोई ज्योग्राफी नहीं। इंडिया की डोमेस्टिक सेविंग्स रेट बहुत हाई है, धीरे धीरे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, पिछले 1 साल की बात छोड़ देते हैं, कोविड के कारण एक्सपेंशनरी रहा है, लेकिन एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कमिटमेंट है। आई थिंक हिस्टोरिकली मतलब आजादी के बाद की नहीं, आप और पहले की भी बात कर लीजिए, 3-4 हजार साल में आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री ने कभी सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं किया, भारत के राजा अपना लोन पे करते, तो आई थिंक एक वो कल्चर है, एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी का पैसा लिया है तो वापस करना है, वो कल्चर एटलीस्ट एट गवर्नमेंट लेवल इज देयर। मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, एक डिग्री ऑफ कंजर्वेटिज्म है। आई थिंक कई यूरोपियन कंपनियां जो पहले बीच में पिग्स इकोनॉमी की तरह जाना ही चाहती थी, इवन ब्राजील फॉर सम टाइम, कई लोगों ने बहुत ज्यादा मॉनेटरी एक्सपेंशन के कारण काफी नुकसान बर्दाश्त किया है, स्पेशली अगर आप एक्सट्रीम एग्जांपल देखिए हैं तो ये तो अच्छी कंट्रीज हैं, बट इफ यू लुक एट स्लाइटली स्मॉलर कंट्रीज जैसे जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, इनकी इकोनॉमी तो फिस्कल डिसिप्लिन और मॉनेटरी डिसिप्लिन खत्म होने के कारण बिल्कुल बर्बाद हो गई, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारे यहाँ ये सब चैलेंजेस नहीं है, एक बहुत डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नए नए तरह के कैपिटल इंडिया को चेस कर रहे हैं, आज रीट है, इनवेट है, जो पहले रियल एस्टेट में पिछले 16-17 साल का एक अनुभव है विवेक,
पहले हम लोग रियल एस्टेट में लोग बोरोइंग करते थे तो 18% 20% ऐसे बात करते थे। आज रीट के जरिए लोग 8 साढ़े 8% पे पैसे रेज कर पा रहे। आज होम लोन जो है जो कई बार 12% 13% पिछले 5-7 साल में भी रहा है, आज लोगों को 7% में भी होम लोन मिल रहा है। तो इन सब चीजों का जो एक चेंज होने वाला है विद द यंगर डेमोग्राफी एंड ऑल दिस नया इन्वेस्टमेंट कमिंग इन फ्रॉम डिजिटल चैनल्स, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, जो हमारे एजुकेशन लेवल का जो एक कल्चर है कि भाई गरीब आदमी भी है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उन सब चीजों का डिविडेंड बहुत तेजी से मिलेगा अगले 10 सालों में इंडिया। सो ब्रॉडली यही है। अब सही है। आई थिंक इट इज प्रिटी एविडेंट, क्रिस्टल क्लियर दैट यू आर कन्विंस। आपको पता है स्टोरी कहाँ जा रही है, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा एक माइंड में एक छोटी सी प्रश्न आ गई कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि साइकिल ओवर वैल्यूड लग रही है मार्केट, क्योंकि महंगा हो गया अभी अपेरेंटली लग रहा है, क्योंकि इट्स ऑन द हायर साइड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड। दूसरी तरफ हमको पता है कि ग्रोथ है बिकॉज ऑफ इंडिया, इंडिया स्टोरी, इंडिया डेमोक्रेटी, एंड आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स वी नो दैट इट्स फेवरेबल टू आवर कंट्री। सो देन लॉजिकली दैट हायर वैल्यूएशन इज जस्टिफाइड बिकॉज हायर वैल्यूएशन इज बैक्ड बाय हाई ग्रोथ पोटेंशियल। सो आप जो बात कह रहे हैं विवेक, काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन हाउ मच, मतलब जो आजकल एक एक्रोनिम चल रहा है बाई एट एनी प्राइस, वो बाई एट एनी प्राइस नहीं हो सकता। तो कई जगह जैसे आईटीसी का हमने देखा, कोल इंडिया का देखा, दे आर वेरी चीप। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में अक्रॉस द मार्केट देर इज एन ओवर वैल्यूएशन, बट एट द सेम टाइम कई कंपनियां हैं जो ग्रो कर रही है 2-4-5-7% पे, लेकिन फॉर पिछले 4-5 साल से एफएमसीजी में, बट मल्टीपल उनके हैं 60-70 टाइम खाली एफएमसीजी के नाम पे। आई नो कैश फ्लो जनरेट करते हैं, कोई डेट नहीं है तो दे डिजर्व गुड मल्टीपल, बट 60-70 टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। नहीं, बट हाउ डू यू सिमिलर जस्टिफाई वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज लाइक जोमेटो देन, जिनका तो कोई रेवेन्यू नहीं है फिर भी उनका वैल्यूएशन है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक लाइक जैसे मैंने कहा शुरू में भी एक स्लाइड दिखाया था कि डिजिटल इस बार की बुल रन के फ्रंट रनर में। अभी तो सिर्फ एक जोमेटो का आईपीओ हुआ है, आज के डेट में आई थिंक कम से कम दर्जन और डिजिटल कंपनियां आईपीओ करने की बात कर रही हैं। सब कोई 5,000, कोई 15,000, कोई 25,000 करोड़, मतलब इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी आईपीओ करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे इंफोसिस के साथ हुआ वैसा, और या जैसे आईटी सेक्टर के साथ 2000 में हुआ, वैसा ही डिजिटल के साथ होने। मेरा मानना यह है कि हो सकता है इनमें से कोई कल को 10 लाख करोड़ की कंपनी हो जाए, 5 लाख करोड़ की कंपनी हो जाए, लेकिन अगर आप इस सेक्टर में 3 साल बाद घुसेंगे या 4 साल बाद घुसेंगे, तो आप बोलते हैं ना सेपरेशन ऑफ मैन फ्रॉम द बॉयज, वो कर पाएंगे और शायद एक सही प्राइसिंग लेवल पे घुस पाएंगे। आज के डेट में मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, किसी भी मेट्रिक से नहीं कर सकता। जो रेवेन्यू मल्टीपल देख लीजिए, अर्निंग तो है ही नहीं तो अर्निंग मल्टीपल की बात नहीं कर सकते हैं, बट बहुत फ्रॉथ है मेरे हिसाब से। मैं गूगल का चार्ट स्टडी कर रहा था, गूगल का, तो वो जो पूरा रैली हुआ था डॉट कॉम के अंदर में, तो गूगल ऑब्वियसली आल्सो वेंट अप इन यूएस, और जब 2000 में करेक्शन आया था तो गूगल भी गिरा था। बट देन क्योंकि गूगल का बिजनेस मॉडल में एक यूनिकनेस था, एक बाइनरी जी बिजनेस था वो, कि जी अगर वो फॉल को सस्टेन कर लेता है तो वो किसी भी हद तक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है, हमने एक बिटकॉइन क्रिप्टो के ऊपर में किसी चर्चा की थी, मेरे जो पार्टनर है विनीत, उन्होंने इलन मार्केट्स में एक चर्चा की थी, तो को बोला था कि बिटकॉइन तो बबल है क्रिप्टो, तो उसने बोला कि हाँ बबल है। तो मैंने बोला फिर आप क्यों बता रहे हैं,
बोला देखिए ऐसा है कि बबल तो मार्केट क्रिएट करता है, बट कॉन्सेप्ट तो बबल नहीं है, इट्स अ मार्केट विच हैज क्रिएटेड बबल एंड द बबल विल गेट बस्ट, प्राइसेस विल गो डाउन। और अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सही है तो फिर वह उसके बाद जब रिकवरी आएगी तो वो जबरदस्त होगी। तो उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था डॉट कॉम का, कि डॉट कॉम बबल था क्योंकि मार्केट ने जी उसको बबल क्रिएट कर दिया, लेकिन बिजनेसेस तो ठीक ही थे, डॉट कॉम कॉन्सेप्ट तो अच्छा ही था। और उसी के अराउंड में देखिए बिल्कुल कितने बिजनेसेस कितने बड़े हो गए, क्योंकि वो इंटरनेट रेवोल्यूशन जो मैनकाइंड में आया था उसमें डॉट कॉम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन स्मार्टफोन के कारण आया समझ लीजिए, या एक हैबिटेट चेंज हुआ है सबके अंदर में, तो आज जोमेटो अपेरेंटली हाई वैल्यू दिखेगा, बट करेक्ट भी होगा, जब मार्केट गिरेगा तो वो भी करेक्ट होगा, लेकिन कितने लोगों में वह गट्स ही होगा कि वो नीचे के भाव पे घुसे और उसको लंबे अवधि तक रखें, वो दैट ओनली डिफरेंशिएट अ बॉय फ्रॉम अ मैन। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। आई थिंक बाजार में अगर आप देखिए तो आई थिंक वी आर, जैसे आपने डॉट कॉम रेवोल्यूशन की बात की, वी आर इन द मिडल ऑफ अ डिजिटल रेवोल्यूशन। इसमें कोई दो मत नहीं है, डिजिटल हमारी हर किसी के लाइफ के हर पहलू को छू रहा है और इसे भागा भी नहीं जा सकता। लेकिन हम जब बाजार देखते हैं, आपने गूगल की बात की, आपने मैंने इंफोसिस की बात की, बट इन सब रेवोल्यूशन में अगर आप देखिए तो एक जो हम बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस या हाइंडसाइट बायस है, हाँ, क्योंकि उस टाइम जितनी डॉट कॉम कंपनियां थी उनमें से पांच सात बची, अधिकतर काफी तो बंद हो गई। सही बात है, हर कंपनी अपने नाम के आगे टेक या सॉफ्ट लगा देता था और उनके प्राइस बढ़ जाते थे। सिमिलरली डिजिटल में भी ये होगा, ये जो 15-20 अभी IPO आ रहे हैं इनमें से शायद 3-4 ऐसे होंगे जो 10 लाख करोड़ के, 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियां हो जाएंगी, बट 8 ऐसे भी होंगे जो जिनका हम 5 साल में नाम भूल जाएंगे। तो अपने को ये हाइंडसाइट बायस और सर्वाइवरशिप बायस को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए जब हम इस तरह के स्नोबॉल्स जो हैं कि जिनमें खाली मार्केट लीडर सर्वाइव करता है, बाकी सारे, आज जोमेटो है तो स्विगी भी है, हु नोस कल स्विगी बड़ा हो जाए। गूगल के साथ क्या था कि सर्च का उन्होंने ऑलमोस्ट आज के डेट में सर्च का उनका 90% मार्केट शेयर, तो उन्होंने कमाल की मोनोपोली बना ली। फेसबुक ने सोशल मीडिया में कमाल की मोनोपोली बना ली। जो उस तरह का मोनोपोली क्रिएट कर पाएगा अपना, वो तो अलग प्लेन पे चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने बड़े मार्केट, 125 करोड़, 140-135 करोड़ की आबादी के देश में अगर कोई उस तरह का 80% 90% मार्केट शेयर किसी भी चीज का बना ले, उसके पास तो पैसे रखने की जगह नहीं होगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि मॉडर्न मोनोपोलिस को ढूंढिए और उनमें पैसे लगाइए, मार्केट जब गिरेगा तो उस समय आपको लॉस दिखेगा, लेकिन कोई नहीं, अगर वो मोनोपोली सही है तो बहुत बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा, यही नया मार्केट है, यही नया सत्य है। तो बिल्कुल आदित्य आपने एक बहुत गजब काम किया है दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि आदित्य के साथ मैं कैसे कनेक्ट किया। तो एक ट्वीट इनका ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा कि इन्होंने कुछ बुक की चर्चा की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने फिर उनको कनेक्ट किया तो पता लगा कि इन्होंने बुक लिखा है, और ये बहुत ही ग्रेशियस थे, इन्होंने मुझे भी एक कॉपी बुक की भेजी कि आप भी पढ़िए और पढ़ के मजा, पतली सी बुक है, सबसे अच्छी बात ये है कि बात की बात है, टू मच बिल्कुल थिकनेस नहीं है, रेलेवेंट बात एक पतली सी बुक में इन्होंने लिख दी है। तो बहुत अच्छी एक बुक है जो साइकिल्स को बहुत प्यार से समझाया इन्होंने। तो मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई कमर्शियल लेना देना नहीं है, खाली मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए, और ये बुक जो इन्होंने लिखी है जिनको काफी लोगों ने वेट भी किया है, वाओ, मनीष सुखानी जी, नीलेश शाह जी ने सबने आपकी बुक के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, आप बताइए बुक के बारे में। सो आई थिंक विवेक, बहुत ही वेरी काइंड ऑफ यू। आई थिंक मेरी बहुत, जब भी मैं कोई पीटर लिंच की बुक या वॉरेन बफेट की बुक पढ़ता था, मेरे को हमेशा एक ये रहता था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, जहाँ पे क्या तो है कि कुछ बुक्स हैं जो सिर्फ फाउंडर्स का महिमा मंडन करते हैं, बहुत अच्छे फाउंडर्स होंगे बट
सिर्फ उनके महिमा मंडन के लिए कई बार स्टॉक मार्केट बुक्स लिखी गई हैं, बट स्टॉक मार्केट थीम पे, इंडियन लिटरेचर पे, इंडियन एग्जाम्पल के साथ मेरे को बहुत ज्यादा क्वालिटी किताबें मिली नहीं। बट एट द सेम टाइम बनिया आदमी हो, बहुत ही इकोनॉमिकल हो, तो बहुत ज्यादा एक ही चीज को चार तरह से लिखना भी नहीं आता है। तो मैंने बोला मतलब की बुक लिखी जाए जिसमें लोगों को आइडियाज मिले इन्वेस्टिंग के लिए, कैसे नए स्ट्रैटेजीज बना सके वो मिले, और एट द सेम टाइम बहुत रेपिटेटिव नहीं हो, बोरिंग ना हो। तो कोशिश किया है कि बहुत क्रिस्प रखें, कोशिश किया है कि बहुत सिंपल रखें, ताकि एक ऑर्डिनरी समवन जिसको थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो उसको समझ में आ सके। तो बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरणों के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कई लोगों से बहुत साधुवाद मिला है, सराहना मिला है, आशा करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी। बट एक ऑनेस्ट एफर्ट, एकदम दिखता है वो ऑनेस्ट एफर्ट, एक एक लाइन में आपका ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है, सो वेरी गुड। एंड मैं तो वैसे भी जो लिखता है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि लिखना बहुत टफ काम है। बात बोल देना, वीडियो रिकॉर्ड कर देना तो बच्चों का खेल है, लेकिन लिखना बहुत टफ है। तो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग बुक। बच्चों का खेल होगा, हमें तो आपके वीडियो से इतना ज्ञान मिलता है। आई रियली, मैंने शो के शुरू में भी बोला था, मुझे आपका एनर्जी लेवल बहुत पसंद है शोज में। थैंक यू, चलिए अच्छा लगा, गुड। सो दोस्तों, ये बुक है, अगर आप लेना चाहे तो लीजिए। आदित्य की वेबसाइट का एड्रेस हम नीचे दे देंगे और आदित्य को बोल देंगे, अगर जहां लिंक है वो दे दे, तो आपको लेना हो तो आप ले लीजिएगा और आदित्य से कनेक्ट कीजिएगा और सीखिएगा। जितना सीखेंगे उतना पैसा बनेगा। थैंक यू आदित्य फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉन्टेंट, ब्यूटीफुल। थैंक यू विवेक फॉर हैविंग मी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, इट्स आवर प्लेजर, थैंक यू, बाय बाय। आई होप कि आपके जो लिसनर्स हैं लाखों के तादाद में, उनको भी इससे कुछ फायदा हुआ हो, कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो। बहुत बहुत होगा, क्योंकि सिंपलिसिटी में जितना पावर है उतना जैजीनेस और सेक्सीनेस में नहीं है। तो ये बिकॉज हम लोग सीए हैं और बहुत सिंपल तरीके से हमारा जीवन बीता है, तो बुक में भी सिंपलिसिटी दिखती है, ग्लॉसी ज्यादा नहीं है। तो लोगों को उसका फायदा होगा। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। काम ऐसे ही शेयर करते रहिए और प्यार बांटते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, बस इतना ही चाहिए। बाय बाय।